क्या भाई, अपने को कोर्ट जाने का और आप यहाँ पर भगवान के दर्शन कर रहे हो? आपने मन्नत मांगी है कि अगर भैया को कोर्ट ने जमानत दे दी तो सिर मुंडवा दूंगा। अगले में आप अच्छे नहीं लगोगे भाई। ए, कौन बोला आप खुद का सिर मुंडवाएंगा? ऐसा क्या भाई, आप किसी और का सिर तो मुंडवा ही सकता ना। जो पहले तीन आदमी मंदिर की घंटी बजाएंगे अपन उनका सिर मुंडवाएंगे। हजामत ले ले क्या? अरे चलिए, क्या कर रहे हो? मुझे कत्ल क्यों करवा रहे हो? मेरी शादी होने वाली है। चलो अब देखते हैं दूसरा बकरा कौन आता है। बच्ची बच गई, ले आओ उसे। बाय। भाई ने बुलाया तेरे को? चल चल रे। चलाता हूँ। क्या बे हीरो, बहुत छाना समझता अपने आपको, टकला करे इसको। इसलिए अपन ने अपने भाई की जमानत के लिए मन्नत मांगी है कि दूसरे लोगों का सिर मुंडवाऊंगा। अगर वो तेरा भाई है तो तू अपना सर क्यों नहीं मुंडवाता? मैं क्यों मुंडवाऊं भाई? ये कुछ ज्यादा ही छाना बन रहा है। जानता नहीं अपन कौन है? शतरंज के खेल में नजर खिलाड़ी पर नहीं, उसकी चाल पर होनी चाहिए। गायत्री, गायत्री क्या हुआ? ए, उल्टियां क्यों कर रही हो? कहीं उल्टा सीधा तो कुछ नहीं कर लिया ना तुमने? कुछ बोलेगी भी? सुबह से चीमा चल रहा है और चक्कर भी आ रहे हैं। सुबह से उल्टियों पे उल्टियां हो रही है। मन कर रहा है जैसे
कुछ खट्टा खाओ। प्यारे के साथ खेलते खेलते पता नहीं क्या हो गया भैया। मुझे पता कौन है इसका जिम्मेदार, वरना तुझे। मैं हूँ इसका जिम्मेदार। तेरी तो मैं भी उसकी जिम्मेदार हूँ भैया। इसमें इतना ओवरएक्ट क्यों कर रहा है? मामला भी तो ओवर हो चुका है। एक बात कान खोलकर सुन लो, मुझे बिन ब्याही बहनों के बच्चों का मामा बनने का कोई शौक नहीं है। भैया मैंने बहुत इनकार किया था, पर प्यारे मेरी सुनता कहाँ है? मैंने इसे कुल्फी खिलाई पर वो फटे दूध से बनी थी, उसके बाद इसकी उल्टियाँ शुरू हो गई और तुम मामा बनने चले। कुल्फी खाई थी तेरी की? मैंने सोचा खट्टा खाने वाला चक्कर है। हाँ तू भी पंच मार ले। अगर ऐसा कोई चक्कर होता, अगर इसका हाथ थामने के लिए कोई तैयार नहीं होता तो मैं तो तैयार ही था ना। अबे गाय की गोबर की शक्ल वाले, तेरी खुद की तो मांग है नहीं और तू मेरी बहन की मांग में सिंदूर भरेगा साले। उसे भी उल्टी हो रही है क्या? अरे टेंशन मत लो, आज उसका बर्थडे है और वो अपने बर्थडे पार्टी के लिए जिद कर रही है। अच्छी बात, जरूर इसने सिखाया होगा। देखो चिरकुट, मैंने उसे कुछ नहीं सिखाया। पता नहीं कौन से मुहूर्त पर इसने घर में कदम रखा था, एक उल्टी कर रही है, दूसरी बर्थडे पार्टी की जिद कर रही है, न जाने तीसरी का क्या होगा इस घर में। क्या रे चिरकुट, आज कितनी खुशी का दिन है और तू इतनी बेहुदा बातें करता है। चल पिछली बातें भूल जाते हैं और उसका बर्थडे धूमधाम से मनाते हैं। फंक्शन तो होना चाहिए। फंक्शन? गाँव में ढिंडोरा पिटने की जरूरत नहीं, सबके सब मुफ्त खो रहे हैं। घर की बात घर में रहने दो, दूध की खीर बना दो और उसे हैप्पी बर्थडे विश कर दो। जाओ 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 जाओ। आंटी ये बेवकूफों जैसी बातें कर रहा है और आप इसकी हाँ में हाँ मिलाए चले जा रहे हो। हम उसका बर्थडे मनाएंगे और आजू बाजू के गांव वालों को भी बुलाएंगे। अब आप ही सोचो, जब इतने लोग फंक्शन में आएंगे तो हो सकता है बड़ी वाली के रिश्ते की बात हो जाए, लगे तो इसके हाथ भी पीले हो जाएंगे। अगर चिरकुट की बात सुनोगे ना तो ये घर में बड़ी बड़ी बुड्ढी हो जाएगी। तुमने सच कहा बेटा, पता नहीं इन तीनों की शादी कब होगी, कब इनके बच्चे होंगे और कब मुझे नानी बनने का सुख मिलेगा। तुम चाहती हो बच्चे तुम्हें नानी कहे? हाँ। गली के नुक्कड़ में ही नर्सरी स्कूल है, वहाँ के बच्चे तुम्हें नानी बुलाया करेंगे। जाओ अंदर जाओ। आंटी आप इसे बात करके टाइम खोटी मत करो, हम कल ही फंक्शन रखते हैं, तैयारी का सारा जिम्मा मेरा, आप अपने खानदान को बुलाओ बस। ठीक है चलो। चिरकुट खर्चा पानी तो उठा लियो। मेरी माँ और बहनों के साथ मिलकर अपने दिल के अरमान पूरे करने के लिए ये गांव वालों को खिलाकर मुझे गधा बनाना चाहता है। लेकिन एक बात याद रख, मैं एक ही दिन में बदल दूंगा तेरी ये चार दिन की चांदनी। ये फुलवा रख दो, इसको वहां लगा दो, शहर में खिलाना यहाँ से। ये बाजे लेकर मेरी बजाने आयो? मेरे बजट में ये सब फिट नहीं होता। एक आदमी ढोल बजाएगा और एक आदमी बाकी सारे इंस्ट्रूमेंट। अबे काली है, इतनी फौज लेकर क्यों आया है? यहाँ भजन हो रहा है, भोजन नहीं। चलो निकलो ये सारा पिटारा लेकर, चलो निकलो। कलाकारों का अपमान कर रहे हो, हमें धूले राजा ने बुलाया है। धूले राजा? जरा मैं भी तो शक्ल देखूं। चिरकुट वो मैं हूँ, कंफर्म था। क्या चिरकुट, तू आइटम सॉन्ग की बैंड क्यों बजा रहा है? चल शुरू हो जा, तू ऊपर से, तू नीचे से, तू साइड से, ए टिंगो तू नाक से। यही लाके दिया, चल निकल यहाँ से। आ जाते हैं कहीं कहीं से। चल चिरकुट हम घर पहुंच गए, सब ठीक हो जाएगा, आराम से। अरे उसको दर्द नहीं होना चाहिए भैया, आराम से आराम से, बस हो गया। चलो ला बैसाखी तो मुझे लगा ले, लगा ले। आजा आजा। बहुत बेटा, दिया तो नहीं टूटा ना? डॉक्टर तो तोड़ने के ही चक्कर में था, लेकिन मैंने कहा पिछवाड़े को कुछ भी हो जाए, दिए को कुछ नहीं होना चाहिए। आंटी का एंटीक पीस है, थोड़ा टेढ़ा हो गया है। क्यों रे, कब अकल आएगी तुझे? बैठने के लिए ये दिया ही मिला, अब इसे गंगा जल से धोना पड़ेगा। पता है कितना नुकसान हुआ है? इससे ज्यादा नुकसान तो नहीं हुआ होगा ना? एक बात बता कि तू मेरी सगी माँ है या फिर सौतेली? चिरकुट भूल गया, डॉक्टर ने चिल्लाने से मना किया वरना टांके टिकटॉक हो जाएंगे। ना चिल्ला सकता हूँ ना सुबह बैठ सकता हूँ, क्या पाप किए थे? प्यारे तुमने तो कहा था भैया एक महीने बाद आएंगे, ये इतनी जल्दी कैसे आ गए? प्यारे कितने टांके आए हैं? आठ। सिर्फ आठ? अठारह। माँ अपने बेटे के बजाय अपने दिया सलाई की खैरियत पूछती है, बहन अपने भाई को टाके लगाने पर खुश हो उठती है, वाह क्या परिवार मिला है। रोने का मन करता है, क्या परिवार। इसे यही छोड़ो, तुम अंदर चलो, इसे तो आदत है लड़कियों की तरह रोने की।
अगर मेरे हाथ में बंदूक होती तो मैं प्यारे मोहन को मार डालता। आपके पैरों पे आप खड़े हो, मैं तो बहुत खुश हो गया। आपकी नजर उतरनी पड़ेगी क्योंकि शनि और राहु दोनों आपके घर पे हैं। प्यारे कम था जो ये दोनों भी आ गए। आइला आइला वाइला बाद में, पहले चाय ला। ला दे, तब तक मैं अपनी आरती खुद ही उतार लेता हूँ। आरती मेरे कॉलेज में थी, मुझे छोड़कर चली गई थी। इसी से काम चलाना पड़ेगा। आगे से शनि भाग जा और पीछे से राहु। चल थोड़ी से। कितनी ओवर एक्टिंग करता है। वो कैसी है स्वामी जी? बेटा उसकी तबीयत में काफी सुधार आ गया है। अब कुछ औषधियां हैं जो यहाँ आसानी से नहीं मिलती हैं। ये औषधियां शहर से ले आओ। देर पहले उस अकाउंट से एटीएम के थ्रू पैसे निकाले गए और वो एटीएम भी हमारे ही बैंक का है। कौन सी ब्रांच? पनवेल ब्रांच। अरे अरे नहीं नहीं, बचा बचा बचा, अरे बचा मुझे, अरे अरे छोड़ो मुझे, अरे अरे अब मैं तुम्हें खिलाता हूँ। अरे मालिक, आपकी तीनों बहनें गोपियां बनके उस कृष्ण के साथ रासलीला कर रही हैं। तू क्यों काला पीला हो रहा है? अरे सिर्फ रासलीला ही नहीं, हाथ भी घुमा रही है कृष्ण के पीछे। अरे बच्चे, वो जो करना है करने दे, अभी नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे? वो करे तो रासलीला, कोई और कुछ करे तो कैरेक्टर ढीला कहते हो। वैसे दिखने में तो तुम सर्वगुण संपन्न लगते हो, बस थोड़ा सा टकले से मार खाते हो और शक्ल तुम्हारी गेंडे जैसी है। कुछ भी हो जाए, स्विच को हाथ मत लगाना। मैं क्यों हाथ लगाऊंगा? सक्सेस। बस 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 बस। बड़ी खुश लग रही है मेरी तीनों बहनें। वैसे खेल खेल कर तुम लोग तीनों थक गई होंगी, तुम लोग जाकर शरबत क्यों नहीं पी लेती? जाओ 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 जाओ, बर्फ भी डालना, भूलना नहीं जाओ। अच्छा हो गया तू आ गया चिरकुट, वरना तेरी बहनें तो मुझे कच्चा ही खा जाती। अरे मजनू, तूने मुझे मजलूम बनाया, क्या बात है चिरकुट। पसीने से तुम्हारा शर्ट कितना भीग गया है, जाओ वहाँ पंखे के नीचे जाकर ठंडा हो जाओ। अच्छा क्या बात है, आज बड़ी खातिरदारी कर रहा है मेरी। अतिथि देवो भव। सुपर सक्सेस। अरे मालिक, छी क्या बिना स्ट्रॉ के चूस रहा है? आपकी तीनों बहनें उसके हाथ पैर को चाट चाट के मालिश कर रही हैं। अरे दीदी, इससे कुछ नहीं होगा, अपने मुंह से उसके मुंह में सांस भरो। ऐसा करूंगी तो ठीक हो जाएगा। पहले मैं, सबको चांस मिलेगा, पहले मैं, फिर तुम और उसके बाद तुम, ठीक है? ठीक है दीदी। क्या कर रही थी तुम? मुंह से सांस भर रही थी ताकि बेहोश प्यारे होश में आ जाए। मुंह से सांस भर रही थी, गुब्बारा है ये, एक दूंगा ना घुसा। मुंह से सांस तो इसे मैं दूंगा। आज खाने में फिश करी बनाई है क्या? हाँ प्यारी, पर तुम्हें कैसे पता चला?
जब तुम सांस भरने करीब आई थी तुम्हारे मुंह से खुशबू आ रही थी। मतलब ये बेहोश नहीं था, ये राह देख रहा था कि कब मेरी बहनें आए और इसका इलाज करें, है ना? अरे मेरी गाय जैसी बहनों, तुम्हारे दिमाग में क्या गोबर भरा है? चलो निकलो यहाँ से, जाओ निकलो यहाँ से। ओ चुंबक, तू उनके पीछे पीछे कहाँ जा रहा है? सुन, तुझसे मेरी बहनों को बचाने के लिए मैंने शॉर्ट सर्किट करवाया था। मुझे लगा तुझे झटका लगेगा, लेकिन उनके मुंह लगकर तू मुझे झटका दे रहा था। अगर आज वो हवा भर देती तो माँ कसम मेरे अंदर का जानवर जाग जाता और मैं तुम्हारा खून पी जाता। देखो चिरगुट, ऐसे मुंह मत बनाया करो नहीं तो मैं जोर से हंसूंगा। वो क्या है ना, तुम विलन कम कॉमेडियन ज्यादा लगते हो। अगर तुमने मेरा पीछा नहीं छोड़ा या निकालने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी बहनों को बता दूंगा कि रोज तुम अपने बैल को कहां ले जा रहे हो। तू मेरे बिजनेस का राज खुलेगा? बिजनेस? रोज इस तरह अपने बैल को थका रहा, ये तुम्हारा बिजनेस है? देखो तुम तो कुछ भी बोल रहे हो। अच्छा कुछ भी बोल रहा हूँ, जरा गाय की आवाज से निकाल। अब देख तेरा बैल रेडी हो गया। चल वो मछली भी रेडी हो गई है, मैं आता हूँ। आया बेबी। मुझे अपना बिजनेस बदलना होगा क्योंकि मेरा बैल मेरे कंट्रोल में नहीं। उसके बाद देखता हूँ ये मुझे कैसे ब्लैकमेल करेगा।